जदयू नेता और सोनवर्षा से विधायक रत्नेश सदा आज नीतीश सरकार में मंत्री पद की शपथ लेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले सहरसा के सोनवर्षा से 3 बार के विधायक रत्नेश सदा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद फोन करके पटना बुलाया था। उन्हें मुख्यमंत्री ने फोन में ये भी कहा था कि पटना छोड़कर अभी वह कहीं नहीं जाएं। अब जानते हैं कि कौन है रत्नेश सदा जो बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब रत्नेश सदा के मंत्री बनने पर मुहर लग चुकी है। जदयू विधायक रत्नेश सदा मुसहर समाज से आते हैं। जदयू के मुताबिक वो जीतन राम मांझी से कहीं अधिक जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। रत्नेश सदा सहरसा के सोनवर्षा से लगातार 3 बार के विधायक हैं। संस्कृत से उन्होंने आचार्य की डिग्री भी हासिल कर रखी है। रत्नेश सदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। सरल स्वभाव वाले जुनूनी नेता माने जाते हैं रत्नेश सदा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 8-9 महीने की देरी है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष संतोष सुमन मांझी के बिहार में मंत्री पद से इस्तीफे के बाद गठबंधनों का समीकरण राज्य में तेजी से बनने और बिगड़ने लगा है। माहौल एकदम टाइट है और लग रहा है कि सब अभी की तरह सेट रहा तो बिहार में लोकसभा चुनाव में दोनों बड़े गठबंधन एनडीए और महागठबंधन की तरफ से सिक्सर मारा जाएगा। आप सोचेंगे चुनाव में छक्का कैसे मारा जाता है। असल में जीतन राम मांझी की पार्टी हम के निकल लेने के बाद आरजेडी जेडीयू की अगुवाई वाले महागठबंधन में 6 पार्टियां बची हैं। दूसरी तरफ जो राजनीतिक सीन बन रहा है उसके हिसाब से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से भी 6 पार्टियां मैदान में उतरेंगी। मतलब दोनों गठबंधन 6-6 पार्टियों की टीम बनाकर चुनाव मैदान में उतरेगी।